जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीपी के ब्लॉग से उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। आपको नव दुर्गे माता रानियों के नवरात्र आ रहे हैं, जो 1 से 9 दिन के होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 9 दिनों के व्रत रखते हैं, कुछ लोग शुरू का और आखिर का व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहला दूसरा रखते हैं, कुछ लोग आखिर की दो रखते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी पूजते हैं तो आठ आठों को उनका नवरात्र पूरा हो जाता है, कुछ लोगों के नौमी पूजते हैं तो 9वें तक व्रत रख के वो नवरात्र पूरा करते हैं, वरना कुछ लोगों की सप्तमी भी होती है। तो मैं माता रानी की एक ऐसी साधना बताना जा रहा हूँ जो माता रानी आपकी इच्छा पूरी करेंगी। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। मंत्र बताऊंगा, जाप बताऊंगा और माता रानी की कृपा आप पे जरूर होगी, यही बताऊंगी। कैसे, ध्यान से सुने। माँ आदिशक्ति, पार्वती, जगदम्बा, काली, सब वही हैं, सब ही वही हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, गौर से सुने। इन नव दुर्गे जो आ रहे हैं उसमें एक नारियल लें, जो नॉर्मल आप अखंड ज्योत माता की जलाते होंगे वो तो जलाते ही होंगे, अगर नारियल अपना रखते होंगे हर बार को वो भी रखते होंगे, वो रखें। एक अलग से नारियल लें, हरा नारियल, इसमें पानी होता है साफ, लाल चुन्नी माता की लपेट के, और कलावा लेंगे, कलावा लाल अच्छा शुद्ध नया लेके आएंगे मार्केट से, 9 बार घुमाएंगे उसमें, 1 2 3 4, क्योंकि 9 व्रत रखने हैं आपको। ये नव दुर्गे 9 दिनों की साधना बताने जा रहा हूं दुर्गा माता की। आपको 9 बार उसे लपेटना है, अपनी एक मनोकामना मांगनी है, कोई एक मनोकामना, मुझे सिद्धि मिल जाए, या शक्ति मिल जाए, या मेरा एक काम बन जाए, या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, या मेरा बिजनेस चल जाए, या इटीसी इटीसी एक। अच्छा, वो माता के चरणों में रख देना है, क्योंकि माता सभी बिठाते हैं, 9 दिन के लिए बिठानी है आपको, 9 दिन के लिए बिठानी है। देसी घी की जोत 9 दिन जलेगी माता की, ये ध्यान रखना, वो जलानी ही है हर हाल में। और 9 के 9 व्रत रखने हैं, व्रत ऐसे ना हो कि खा पी के रख रहे हैं आप, दही लस्सी चल रही, ये चल रहा, वो चल रहा, पकौड़ी चल रही, ये चल रही, वो चल रहा, पूरी दिन रात को भी खा रहे हो, पेट खाली नहीं रख रहे हो, खाए जा रहे हो और व्रत भी है, ऐसा नहीं। थोड़े भूखा रहना है जरूरी, थोड़ी भूख लगे आपको, ठीक है। अच्छा, 1 दुर्गा चालीसा पढ़नी है रोज, 9 लौंग के जोड़े रोज चढ़ाने हैं 11 पे, 9 लौंग के जोड़े 9 माताओं के लिए, 9 बहुत बड़ी नवदुर्ग की शक्ति है उनके लिए, रोज 9 लौंग के जोड़े चढ़ेंगे, या आपके घर में जिस तरह से चढ़ता आया है उस तरह से चढ़ाएं, एक चढ़ता है तो एक चढ़ाएं, या दूसरे दिन 2 चढ़ते हैं 2 चढ़ाएं, लेकिन मेरे यहाँ तो हर रोज 9 ही चढ़ते तो हम 9 ही चढ़ाएंगे, तो 9 वही बता रहा हूं मैं, या जैसे आपके यहाँ होता है वैसे उतने लौंग के जोड़े चढ़ाएं, रोज 11 होगी, और नहीं मालूम है तो 9 लौंग के जोड़े रोज, और एक हनुमान जी का और एक भैरव बाबा का अलग, एक शिव परिवार का और राम दरबार का अलग, कितने हो गए, 9 माता के 9 माता के, एक हनुमान जी का 10, एक भैरव बाबा का 11, एक शिव परिवार का 12, एक राम दरबार का 13, और कोई तुम्हारे घर में कुल देवी देवता पूजते हो तो उससे चढ़ा सकते हैं, ये रोज चढ़ाना 9 दिन तक। अच्छा, अब आपको पहले दिन ही संकल्प लेंगे, जब आप अखंड जो जला देंगे हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, दीपक भैया बालाजी कृपा वाले को साक्षी मान के माता रानी मैं ये संकल्प ले रहा हूं, 9 दिन में आपके इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करूंगा, बताने वाला हूं कौन सा मंत्र, 1.25 लाख जाप करूंगा, और इस जाप के फल स्वरूप मुझे सिद्धि चाहिए, या शक्ति चाहिए, या ये चाहिए, या वो चाहिए, या फलाना, या ढिमकाना, या मेरा बंधन खुल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा काम बन जाए, बिजनेस उठ जाए, जो भी वो बोल सकते हैं वो बोलें, और जल जमीन पर छोड़ दें। वैसे तो संस्कृत में संकल्प लिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान को सब पता है, हमारे तुम्हारे लिए यही लैंग्वेज है, भगवान के लिए कोई लैंग्वेज नहीं, भगवान भाव से समझते हैं, मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो भी समझ जाएंगे, वो बोल करके अपना पिता पिता का नाम सबको बोल करके जल जमीन में छोड़ दें। सिर्फ ये पहले दिन करना है संकल्प, उसके बाद मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, एक मंत्र ये भी है ओम दुर्गाय नमः ओम, ओम दुर्गाय नमः ओम, एक मंत्र ये भी ट्रिपल शक्ति, ट्रिपल टाइप की शक्ति आ जाएगी माता की, ओम दुम 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 दुर्गाय नमः ओम, दुम 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 दो 3 बार लग जाएगा, समझे आप, एक मंत्र सिंपल ये, ओम दुर्गाय नमः ओम, ठीक है, दूसरा ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, तीसरा ओम दुम 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 दुर्गाय नमः ओम, इन तीनों में से एक मंत्र कोई सा भी ले लीजिए, और वो जाप करना है रोज, 130 माला जाप होंगी, 9 दिन तक 1.25 लाख पूरा हो जाएगा, 1,26,000 के आसपास बैठेगा आपका, ठीक है, रोज 130 माला। अब 130 माला वन टाइम में नहीं कर सकते आप, तो डिवाइड कर लीजिए,
65 माला, सुबह 65 माला शाम को कर लीजिए, ठीक है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम 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 दुर्गाय नमः, या ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस तरीके से माता कृपा करेंगे। काली माता का उग्र मंत्र होता है, 100 प्रेत लेके चलते हैं साथ में माता, इसलिए मैं माता का मंत्र नहीं बता रहा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब अच्छा रहे। इसलिए काली माता के साथ भी जाप करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सात्विक और सबसे अच्छे तरीके से आपकी साधना बताई जाए। तो मैंने दुर्गा माता का मंत्र बताया जो काली माता को भी सिद्ध करा देगा, सरस्वती माता को भी सिद्ध करा देगा, लक्ष्मी माता को भी सिद्ध करा देगा, अम्बा माता को भी सिद्ध करा देगा, ज्वाला माता को भी सिद्ध करा देगा। 130 माला पर डे 9 दिनों तक 126,000 हो जाएंगे। 9वें दिन हवन होगा, ठीक है, 9वें दिन हवन होगा। हवन के बारे में, दशांश हवन होता है, आप दशांश ना कर पाए तो 13 माला का हवन कर देना, 13 माला की आहुति जाएगी माता की, ठीक है। और रोज रोज जो जो भी खाएं आप माता को भोग लगाएं, भूमि शयन करें, अपने आप को थोड़ा कष्ट दें, ये साधना है, सिद्धि भी प्राप्त होगी माता की इससे। बहुत लोगों की दृष्टि खुल सकती है, माता कान पे बैठ सकती है बताने के लिए, बहुत लोगों के साथ माता चलने लग जाएंगी, बहुत लोगों को यक्षिणियां योगिनियां सिद्ध हो जाएंगी, माता की दूतनियां सिद्ध हो जाएंगी, समझ गए। मंत्र ओम दुर्गाय नमः ओम, या ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, या ओम दुम 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 दुर्गाय नमः ओम, इतना आसान मंत्र लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। देसी जी का दीपक 9 दिन तक माता के वहीं पे जहां आप बिठाएंगे माता को वहीं पे पास में बैठना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आपके यहां होता हो वो सब कर सकते हैं, नारियल जरूर लेंगे जो मैंने बताया, नारियल लेके, हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं माफी चाहता हूं, नारियल लेंगे हरा, चुन्नी लगाएंगे, 9 बार कलावा घुमाएंगे और 11 रुपए माता के उसमें प्रसाद में जरूर रखेंगे, ठीक है। 9वें दिन वो 11 रुपए का प्रसाद बता सके, आगे उसमें भोग लग जाएगा माता का। और जो कलावा है इसे 9वें दिन जब आप हवन करेंगे तो इसको माता को समर्पित करना, फोड़ के जल इसका अलग रखना है और इसके अंदर से थोड़ा गोला निकलेगा और माता को भोग लगाना है। माता जरूर 9 दिन में आपकी समस्या समाधान कर देंगी, या 9 दिन में आपको सिद्धि शक्ति मिल जाएगी, या 9 दिन में आपके कर्ज उतर जाएंगे, या 9 दिन में आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या 9 दिन में ऐसे रास्ते खुल जाएंगे 9 दिन के बाद, या 9 दिन में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मंत्र 100% सिद्ध हो जाएगा 130 माला रोज करने, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा करें माता रानी की कृपा होगी आप पे। व्रत जरूर रखने को, ये ना पूछे मैं व्रत नहीं रख सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो ना करे फिर साधना जो नहीं कर सकता, व्रत जरूर रखने 9 दिन तक, ठीक है। माता रानी कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय दुर्गा माँ, जय भोलेनाथ।